नमस्कार, आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है और मैं हूं विकास टेकरे। दोस्तों, डेटा और डाटा किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़रूरी है। डेटा के बिना वह मोबाइल नहीं चला सकता और मोबाइल के बिना तो आजकल कोई चल ही नहीं सकता, और डेटा के बिना मोबाइल में एंट्री जायज़ नहीं है। इसीलिए इन दोनों की सिक्योरिटी हर कोई चाहता है। हर कोई चाहता है कि वह दोनों चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बचा कर रखे और उनकी सुरक्षा का पूरा ख्याल रखे। लेकिन आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो उसे सुनकर आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। याद रखिए, आप गड्ढे में नहीं गिरेंगे, ज़मीन में ही रहेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूँ, आज से व्हाट्सएप की नई पॉलिसी आ रही है जिससे काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या इससे भारत के लोगों को काफ़ी बड़ी मात्रा में नुकसान होगा। तो बने रहिए आप सभी वीडियो के अंत तक और जानते हैं व्हाट्सएप से जुड़ी कुछ नई बातें। भाई, ऐसा है कि 24 फरवरी या फिर फरवरी 2009 में ब्रायन एक्टन जॉन कॉम नाम के दो व्यक्तियों ने व्हाट्सएप की स्थापना की थी। बाद में इन्होंने 19 फरवरी 2014 को फेसबुक को $19 बिलियन में व्हाट्सएप को बेच दिया। और अगर भारतीय रुपयों में कन्वर्ट करें तो आप अपनी स्क्रीन पर पैसे देख सकते हैं। अगर गिन लो तो भैया कमेंट कर देना, मुझे आ नहीं रहा था इसीलिए बता नहीं पाया। दोस्तों, अब बात करते हैं व्हाट्सएप की जो नई पॉलिसी है। तो नई पॉलिसी का जो फंडा है वो शुरू हुआ 6 जनवरी 2021 से, जब व्हाट्सएप ने अपनी एक आधिकारिक घोषणा में कहा कि वह नई पॉलिसी लेकर आ रहा है जो 8 फरवरी 2021 से लागू होगी। अब इसके बाद क्या होगा? 8 फरवरी 2021 से व्हाट्सएप ने कहा कि वह आपकी जानकारियों के ऊपर निगरानी रखेगा कि आप किसे लोकेशन शेयर कर रहे हैं, किस ऐप में, किस संगठन में ज़्यादा एक्टिव हैं, किस जोन में या फिर हाँ किस ग्रुप में, और किसे कैसी बात कर रहे हैं, इस तरह से वो आपको देख सकता है। अगर एग्जांपल के तौर पर आप किसी को भी, मुझे ही एप्पल का एक फ़ोन भेज रहे हैं, यानी कि एग्जांपल के लिए उसकी लिंक भेज रहे हैं कि आप इसे अमेज़न से ख़रीद लो, मैंने इसे यहाँ पर देखा है, तो भैया व्हाट्सएप ने देख लिया कि इसने विकास को एप्पल के फ़ोन की लिंक भेजा है, ये मोबाइल ख़रीदने में इंटरेस्टेड होगा। तो व्हाट्सएप इस बात को जानकर मेरे फेसबुक अकाउंट और इंस्टाग्राम में एप्पल के फ़ोन की ही पूरी वो दिखाएगा एडवर्टाइजमेंट, ताकि मैं और आकर्षित हो जाऊं। तो इस तरह से व्हाट्सएप आपकी जानकारियों को पढ़कर समझकर उनका इस्तेमाल एडवर्टाइजमेंट के रूप में दिखाएगा। इससे व्हाट्सएप को फ़ायदा यह होगा कि वह अपनी सहयोगी कंपनी या फिर जिनके प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट हमें दिखा रहा है उसके बदले वह भारी भरकम पैसे लेगा। एक तो हमारा डाटा भी लेगा और ऊपर से पैसे भी लेगा। तो बात ऐसी है, व्हाट्सएप को इसका हर्जाना जनवरी की पहली बार जब घोषणा किया था तब से ही मिलने लगा था। हालांकि भारत में डेटा कानून उतने सुरक्षित या फिर उतने कठोर नहीं हैं, जिसके कारण व्हाट्सएप को भारत में आने में उतनी आसानी नहीं है नई पॉलिसी लाने में, और आज से तो आ ही गई है, अब क्या बात करें। भाई, ऐसा है कि जब 6 जनवरी को व्हाट्सएप ने घोषणा की कि वह ऐसा करने वाला है तो उसकी 35% डाउनलोडिंग कम हो गई थी। 35% यूज़र्स उठ के टेलीग्राम और सिग्नल जैसे ऐप में चले गए थे। वही 40 लाख से ज़्यादा यूज़र दूसरे ऐप में शिफ्ट हुए। केवल 72 घंटों के अंदर 24 लाख लोगों ने उस समय सिग्नल ऐप डाउनलोड किया था, वही 16 लाख लोगों ने व्हाट्सएप छोड़कर टेलीग्राम डाउनलोड किया था। टेलीग्राम ने इसी के साथ उस समय 50 करोड़ का डाउनलोडिंग पूरा कर लिया था। तो एक गलती ने व्हाट्सएप को इतना बड़ा नुकसान झेलने पर मजबूर कर दिया। वही दोस्तों, व्हाट्सएप अभी भी अड़ा है कि वह नई पॉलिसी लेकर आएगा ही, और अब देखते हैं, आज तो आ गई है, अब देखते हैं कि उसे आगे आगे क्या होता है। सिंपल सा एक आप देख सकते हैं, इस तरह से आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, अभी व्हाट्सएप कुछ इस तरह से दिखा रहा है कि आप ऐसे व्हाट्सएप को एग्री कर सकते हैं नई पॉलिसी को। जो कम पढ़े लिखे या फिर समझदार नहीं है, जल्दबाजी वाले लोग हैं, उन्होंने तो बिना पढ़े लिखे ही भैया कर दिए होंगे एग्री। अब गरीब जो, यानी कि हम जैसे मध्यम वर्गीय लोग हैं जो कोई पर्सनल बात नहीं करते हैं, बड़े नहीं हैं, उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जो राजनीतिज्ञ है, बड़े बड़े नेता है, बिजनेसमैन है, या फिर जो काफ़ी पर्सनली बात करते हैं, उनके लिए दुखदायी हो सकता है। वैसे व्हाट्सएप कह रहा है कि अभी भी आपकी जो
चैटिंग है, क्योंकि व्हाट्सएप शुरू से ही कहता आ रहा है और उसका टाइटल भी है कि एंड टू एंड इंक्रिप्टेड, यानी कि आप जानकारी जिसे भेज रहे हैं उस तक और आप तक ही आपकी जानकारी सुरक्षित रहेगी। वही जब आप इसमें और जानने की टैप करते हैं तो व्हाट्सएप इसमें बता रहा है कि कैसे होगा। मैं आपको पढ़कर तो बता सकता हूँ कि जैसे कि जिस दिन अपडेट की गई सेवा की शर्तें और प्राइवेसी पॉलिसी लागू होगी उस दिन क्या होगा। इस अपडेट की वजह से 15 मई को किसी भी यूज़र का व्हाट्सएप अकाउंट मिटाया नहीं जाएगा, ना ही किसी प्रकार का व्हाट्सएप काम करना बंद करेगा। हम पिछले कई हफ्तों से व्हाट्सएप पर एक नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं जिससे इस अपडेट के बारे में ज़्यादा जानकारी दी गई है। हमने सभी यूज़र्स को यह अपडेट पढ़ने के लिए काफ़ी समय दिया है और अब उन लोगों को फिर से याद दिला रहे हैं जिन्होंने अभी तक इसे पढ़कर स्वीकार नहीं किया है। कुछ हफ्तों बाद यूज़र्स को रिमाइंडर लगातार मिलने लगेंगे। अगर आप अब तक अपडेट की गई शर्तें और प्राइवेसी पॉलिसी को स्वीकार नहीं करते हैं तो व्हाट्सएप कुछ ही फीचर्स सीमित इस्तेमाल कर पाएंगे। आप अपनी चैट लिस्ट नहीं देख पाएंगे, लेकिन आप इनकमिंग वॉइस कॉल्स और वीडियो कॉल्स का जवाब दे सकेंगे। अगर आपने व्हाट्सएप नोटिफिकेशन ऑन किए हुए हैं तो आप उन पर टैप करके मैसेज पढ़ सकेंगे, यानी आप व्हाट्सएप में जाकर मैसेज देख नहीं सकेंगे, पढ़ भी नहीं सकेंगे, आप केवल नोटिफिकेशन से ऐसा कुछ कर सकते हैं। वहीं आप एंड्रॉयड या आईफोन पर अपनी चैट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, साथ ही आप अपने अकाउंट की रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसी कुछ बातें लिखी गई हैं जिसके बाद धीरे धीरे आपका व्हाट्सएप काम करना बंद कर देगा। व्हाट्सएप को तो कह रहा है कि हम भैया आपके अकाउंट डिलीट नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप इनएक्टिव रहेंगे, उसमें कार्य नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे वो खुद हटते चले जाएंगे। वहीं ऐसा समय ला देगा व्हाट्सएप कि आपको खुद डिलीट करना पड़ेगा अगर आप उसकी नई पॉलिसी को स्वीकार नहीं करते हैं तो। और एक और ख़ास बात बता दूं कि जब हम व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं तो व्हाट्सएप 2 से 3 चीज़ पूछता है कि हम क्या आपके मोबाइल को एक्सेस कर सकते हैं, कैमरा और रिकॉर्डिंग को हम एक्सेस करना चाहते हैं, ऐसे 2-3 पूछता है। हमें लगता है कि हम 2-3 ही अलाउ करते हैं, लेकिन आपको बता दूँ कि व्हाट्सएप इन 2-3 में ही 16 प्रकार की जानकारियाँ आपसे लेता है। आप और भी चीज़ें, व्हाट्सएप से जुड़े रोचक तथ्य, व्हाट्सएप से जुड़ी जानकारियाँ और भी डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। भाई देखो, मैं कहना चाहूँगा कि व्हाट्सएप दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोडिंग वाला और सबसे ज़्यादा लोगों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला मैसेजिंग ऐप है। मैं इसके खिलाफ किसी भी प्रकार की बात नहीं कह रहा हूँ, मैं केवल जानकारी देना चाह रहा हूँ, जैसे कि व्हाट्सएप ने खुद ही अपनी घोषणा में कहा था। इसीलिए मुझे व्हाट्सएप विरोधी ना समझे और ना ही किसी और प्रकार का व्यक्ति समझे, मैं केवल जानकारी दे रहा हूँ। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा। यहाँ पर मुझे सिडनी सेल्डन का एक कथन याद आता है। उन्होंने एक बार कहा था, मैं आश्वस्त हूँ जो कुछ हो रहा है, जो भी बदला है वो अस्थाई है, यह फिर से बदलेगा। दोस्तों, ऐसी चीज़ें तो होती रहेंगी। आप मास्क लगाइए और सुरक्षित रहिए। वैसे 95 N95 मास्क बहुत कारगर है, उसे भी लगाइए। अब भैया मेरे पास खुद ही ऐसे का है, अब मैं क्या बताऊँ। वैसे मैं घर से निकल नहीं रहा हूँ। सुरक्षित रहिए, मास्क लगाइए, सैनिटाइज़र का उपयोग कीजिए, और अगर वीडियो में किसी भी बात का बुरा लगा हो तो दिल में मत